दोस्तों नमस्कार। यदि आपका एडमिशन 2022-23 के डिप्लोमा कोर्स में हुआ है और यदि आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है और आप लोग थर्ड सेम में पहुंच चुके हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि AICTE ने सभी ब्रांचों के थर्ड सेम के सब्जेक्ट और सिलेबस अपलोड कर दिए। तो हम आज बताएंगे सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन ऊपर क्लिक भी कर लें, क्योंकि हम जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा इस बार। तो सिविल इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे इस बार। तो इस 75 पेज नंबर पर आपको कुछ इस तरह का लिखा मिल जाएगा, सेमेस्टर वाइज डिटेल करिकुलम सेमेस्टर थर्ड। यहाँ पर जो आवर्स पर वीक लिखा है, टोटल कॉन्टेक्ट आवर्स लिखा है, क्रेडिट्स लिखा है, इन सब से आपको कोई मतलब नहीं। क्रेडिट से मतलब रहेगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, समझ में आ जाएगा। हमें जो कोड नंबर है और कोर्स टाइटल है इसको सिर्फ अभी देखना है, क्योंकि आज मैं सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में सभी सब्जेक्टों पर पर्टिकुलर सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी यहाँ पर लिखा CEPC 201, क्या लिखा CEPC 201। यहाँ पर जो कोड दिए वो ईयर वाइज दिए गए इस बार, जैसे कि फर्स्ट ईयर में 10 से स्टार्ट होंगे, सेकंड ईयर में 20 से स्टार्ट होंगे, थर्ड ईयर में 30 से स्टार्ट होंगे। तो 201 यहाँ लिखा कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो पहला सब्जेक्ट हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ना CEPC 203 बेसिक सर्वे, थर्ड सब्जेक्ट पढ़ना है CEPC 205 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इन दोनों की सिलेबस हम एक या दो दिन में ही स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन AB क्लासेस को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कैसे करना है इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार्टिंग में ही दे दूंगा। तो उसको देख के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उस कोर्स पे जिस पर ये सिलेबस मैं अपलोड करूंगा वहां पर आप ज्वाइन कर लें, और यूट्यूब पर भी डालूंगा, लेकिन यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो अकेले मिलेंगे, एप्लीकेशन के अंदर वीडियो प्लस आपको उस टॉपिक की PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना हुआ है CEPC 207 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसके बाद फिफ्थ सब्जेक्ट पढ़ना है 209 कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। फिर इसके बाद सेवेंथ जो सब्जेक्ट है वह लैब आ गई है। जो हम सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने वाले जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसकी लैब भी रहेगी, ऐसे बेसिक सर्वेंगे ये यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसकी भी लैब रहेगी, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स है उसकी भी हम लैब पढ़ने वाले, और इसके कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की लैब है। और इस तरह सभी जितने सब्जेक्ट हैं आपके सिविल के उतने सबकी लैब भी है, मतलब जितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे उतने ही सब्जेक्ट के हमारे प्रैक्टिकल होने वाले हैं। और सेकंड सेमेस्टर की तरह जैसे आपके एग्जाम होंगे सेकंड सेमेस्टर के, उसके बाद आपको ट्रेनिंग करना फोर वीक की, इस सिलेबस में भी ऐसा दिया गया। तो उम्मीद है ये सब्जेक्ट आपको समझ में आए होंगे कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको जिससे आप एक साथ पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकें। तो आप इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें हमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े। अब इसकी सिलेबस है उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू फ्रेंड्स।